हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट वन पर। अच्छा दोस्तों, कुछ लोगों की जो है ये क्वेरीज आ रही थी कि हिजामा और हेयर ट्रांसप्लांट दोनों में एक्चुअली बेहतर क्या है। देखिए, दोनों ही अपनी जगह अलग अलग प्रोसेसेस हैं। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, देखिए अगर हम एडवांटेज की के टर्म्स में बात करें तो हिजामा का एडवांटेज जो है वो ट्रांसप्लांटेशन पर काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आपके जो गुद्दी पर बाल होते हैं वहाँ से निकाल करके, या तो वो FUT करके, यानी कि वो जो एक स्ट्रिप निकालेंगे पीछे से, उसको निकाल करके उसमें से बाल निकाल के आपके जहाँ पर बाल नहीं है वहाँ पर लगाएंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो बाल जो है फॉरएवर होते हैं। आप ज़्यादातर लोगों को गंजा होते देखते हैं, यू शेप काइंड ऑफ गंजापन आता है उनके, है ना, साइड के कान के आसपास के और पीछे की गुद्दी के बाल जो है वो रह जाते हैं, तो वो परमानेंट हेयर माने जाते हैं। तो वहीं से निकाल करके उन बालों को लगाया जाता है। ऑल दो ये बात भी सच है कि ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे बाल उग जाएं, हो सकता है कि वो डैमेज हो गए हों लगाते वक्त, तो वो प्रॉब्ली नहीं उगेंगे, है ना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि लगवाने के बाद में भी उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। वो बाल एक बार गिरते हैं फिर दोबारा से जड़ों को पोषक तत्व जो है मिलने ज़रूरी हैं जिससे कि वो बाल दोबारा से उग सकें। तो वंस अगेन कहानी जो है वो हेयर सर्कुलेशन, आई मीन ब्लड सर्कुलेशन की जो है स्काल्प में वो आ जाती है। अब यही दोस्तों, जब हमने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। देखिए, पहली बात तो ये है कि 1.5 से 2 लाख रुपए लगा करके आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, अच्छे से अच्छी क्लिनिक में जाएंगे बढ़िया से बढ़िया में, तो 4.5-5 लाख रुपए तक मांग लेंगे, राइट। और बेकार से बेकार भी होगी तो कम से कम आपसे 60-70-80 हज़ार रुपये वो ले ही जाएंगे, ठीक है। वहीं दूसरी चीज़ ये भी है कि सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट से ही काम नहीं चलता, आपको मिनोक्सिडिल, फॉली हेयर, बायोटिन टैबलेट्स, है ना, फिनेस्टराइड, ये सारी की सारी वो डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करेंगे। वो कहेंगे कि ये आपको कोर्स जो है इतने इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चलाना होगा, उसके अलावा वो शैम्पूज लिख देंगे। तो आपका खर्चा जो है, अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो कम से कम आप मान लीजिए कि आपसे 30 से 35 हज़ार या 40 हज़ार रुपये आपके दवाइयों में भी खर्च होने ही होने हैं जब तक आपके बाल अच्छे से आएंगे। बाल अच्छे से आने की गारंटी भी कोई खास नहीं है, बात सिर्फ ये है कि 7 से 8 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बाल आ भी सकते हैं, बाल नहीं भी आ सकते। बहुत से लोगों के बाल आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उनकी अपने लगे हुए बालों की देखभाल करते हैं, बहुत से लोगों के बाल प्रॉब्ली वो नहीं आ पाते, वो सिर्फ सुनहरे सपने देख करके ही रह जाते हैं। वहीं जब हम दोस्तों बात करते हैं हिजामा की, तो हिजामा जो है बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ बॉडी को खुद को रिवाइव करने का मौका मिल रहा है, रिजुवनेट करने का मौका मिल रहा है। इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे आपने, आप लोगों को मैंने दिखाया, देखिए अब काफ़ी हद तक मेरे बाल जो है सिर पर आ चुके हैं, घना हल्का हल्का, मतलब जो ये जैसे कालापन है ये साफ दिखाई दे रहा है, दूर से कोई देखे तो कालापन दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये बेसिकली पहले जो है बाल थे ही नहीं मेरे सिर पर यहाँ पर। तो हिजामा जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो बेसिकली सिर में कप्स लगाए जाते हैं, उनका मेन काम होता है वैक्यूम क्रिएट करना और आसपास की जो गंदगी है, जो इम्प्योरिटी है, टॉक्सिक जो मटेरियल अवेलेबल है, जो जस्ट स्काल्प के नीचे कैपिलरीज के अंदर है ना, उसको वो इकट्ठा कर लेते हैं कप्स वो वैक्यूम से, क्योंकि उनको जो है एयर टाइट लगाया जाता है, तो इस वजह से आसपास की गंदगी को वो खींच लेते हैं और वो थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पर, फिर वहाँ पर कट लगा के उस ब्लड को निकाल दिया जाता है। तो ये बेसिकली एक तरीका ऐसा है जो बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे हिजामा क्लिनिक्स हैं, हिजामा क्लिनिक जो दिल्ली में है वो तो डेफिनेटली चीपेस्ट हिजामा क्लिनिक है, उसमें कोई शक नहीं है। 500 रुपीज़ आपसे वो चार्ज कर रहे हैं, इवन वेल ट्रेंड डॉक्टर्स भी हैं वहाँ पर, चैरिटेबल बेसिस पर वो काम हो रहा है। इवन आप अगर यहाँ नहीं आ सकते, आपको ये दूर पड़ता है, तो अपने आसपास आप डाल करके गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि हिजामा क्लिनिक्स आपके घर मकान के आसपास या प्रॉब्लम आपके शहर में अवेलेबल हैं या नहीं है। तो और दूसरी चीज़ देखिए, इसमें भी ये है कि आपने हिजामा करा लिया तो उसके साथ में आपको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो आपको एटलीस्ट लेने ही पड़ेंगे। प्रॉब्ली हो सकता है कि आप दवाइयाँ ना लें एक बार को, ज़रूरी नहीं है कि आप नॉक्सिडिल लगाएं, एक बार को ज़रूरी नहीं है कि आप फिनास्ट्राइड लें, एक बार को ज़रूरी नहीं है कि आप फोली हेयर लें, ठीक है। तो एक बार को ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बायोटिन भी लें इनफैक्ट, लेकिन आपको न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अंडे खाने पड़ेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, सिट्रस फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, इसके अलावा आपको जो ग्रेन्स हैं राइट, तो वो लेने पड़ेंगे आपको। और ये कुछ ऐसी मतलब चीज़ें हैं, जैसे बालायाम करें, साथ में आप जो है वो शीर्ष आसन करें, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक नेचुरल तरीके से आप जो है अपने बालों की ग्रोथ, आई मीन टू से, वो आप देख सकते हैं।
तो मेरा जो मतलब मकसद था वो ये नहीं था कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बुरी चीज़ है या उसको मैं गलत ढंग से शो करूं, जो कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स शो कर रहे हैं आजकल। वो भी अपने आप में एक अच्छी प्रोसेस है, जिन जिन पर ऑब्वियसली बहुत पैसा है, जो चाहते हैं कि बड़ी स्विफ्टनेस से वो जो है ये सब ज़्यादा इन चीज़ों में ना पड़े कि भाई बालायाम करना पड़े या शीर्षासन करना पड़े या मुझे जो है जा करके अपना हिजामा करा के आऊँ मैं कहीं या कुछ भी ऐसा, या इंतज़ार करूँ कि हाँ भाई ग्रोथ आएगी आएगी। तो वो प्रॉब्ली ये सोचते हैं कि भाई अच्छे से अच्छे क्लिनिक में जा करके जितना ही पैसा लग रहा है खर्च करके उसको वो बेसिकली जा करके उस अपना जो है वो हिजामा करा ले, आई मीन सॉरी वो हेयर ट्रांसप्लांट करा ले। और फिर वो डॉक्टर्स भी वहाँ पे उनको वादे दे देते हैं बढ़िया बढ़िया कि भाई आपके बाल आ जाएंगे, आप 90 देखिए 90% 70% ये वो डिपेंड करता है। तो इस तरीके से वो समवट वो जो है कंपनसेट कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो ज़्यादातर गरीब लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है दोस्तों, मैं दिल से कह रहा हूँ इस बात को, आप मेरी बात का यकीन मानिए। क्योंकि 500 रुपीज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और हम एज बिंग एन एवरेज इंडियन हम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। एक रिक्शे वाला भी जा करके अपनी सेविंग में से 500 रुपये में हिजामा करा सकता है, अगर उसको लगता है कि उसको ज़रूरत है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि दोनों में जो है मतलब बेहतर प्रोसेस जो मुझे लगती है वो हिजामा है। बाकी आपकी अपनी राय है, आपकी अपनी सोच है, आप जैसे चाहें जैसे जहाँ पर जाना चाहें वहाँ पर कराएं। हिजामा सेंटर्स आपके अपने शहर में भी होंगे, आप प्लीज़ वहाँ पर भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इतना दूर चल के आएँ दिल्ली तक, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है चीपेस्ट रेट पर होता है हिजामा, तो वहाँ पर आप जा करके बेसिकली उसको जो है करा सकते हैं। और दूसरी बात ये भी दोस्तों कि ये एक्चुअली मेरा क्लिनिक नहीं है, प्लीज़ इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ वहाँ पर गया था अपना हिजामा कराने के लिए, और मैंने सिर्फ उनका जो है वो यूट्यूब वीडियोज़ बना करके अपलोड करे हैं। और मैं आपसे इस बात की तो मैं खैर गारंटी आपको दे सकता हूँ कि आप हिजामा करा लेंगे एक बार तो उसके बेनिफिट्स आपको जेन्युइनली दिखाई देंगे, जो आपके अंदर आपकी बॉडी में प्रॉब्ली जो एक अजीब सी टायर्डनेस होगी, जो एक अजीब सा भारीपन होगा आपके मन में या आपके सिर पर, वो बिल्कुल एकदम रिलीफ आपको मिल जाएगा उससे, बिल्कुल आप रिलीव हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जेन्युइन बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को ये, ठीक है। तो प्लीज़ आप जाइए हिजामा कराइए मेरे हिसाब से, और जिनको लगता है कि वो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जा सकते हैं उस चीज़ के लिए भी। धन्यवाद।